हमने देखा यहां पर ये दो बॉल थी, ठीक है, इस तरह से, राइट, वो हमने जो m1 u1 बनाए थे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है m1 मास की, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है m2 मास की। कोलिजन हुआ यहां पर, दोनों के फोर्सेस में इंटरेक्शन हुआ और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, m1 b1 और इसकी b1 हो गई, इसकी v2 हो गई। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हम पिछले टर्म पर पूरा मैंने यहाँ पर मैनुअली लिखा था पूरा और ड्राइव किया था। तो ये कोलिजन के बाद वेलोसिटीज हैं। अब मोमेंटम कंजर्व रहता है तो m1 v1 ये फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 यही लिखा था, ध्यान आ रहा होगा। m2 और m1 हमने कॉमन लेके एक इक्वेशन बना ली थी सेकंड, ध्यान आ रही है। इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो फिर हमने लिखा था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल। इसमें भी 1/2 कैंसिल करके m1 m2 कॉमन ले लिए थे, एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी। फिर आपको ध्यान आ रहा होगा कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके एक और इक्वेशन बनाई थी, v2 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस u1। फिर क्या किया था, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाली थी और उधर फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दी थी। तो देखिए, पुट करने के बाद थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया था और मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, v1 कितना आया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद अगर मुझे v2 फाइंड करना हो तो फिर मैं यहाँ से v1 की वैल्यू निकालूंगा और उसी इक्वेशन में रख दूंगा। तो ये v1 की वैल्यू निकाल के सेम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें अब क्या मिलेगा, आपको याद होगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला हमने याद किया था, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से v1 v2 की वैल्यूज आफ्टर कोलिजन फाइंड की जा सकती हैं। तो फाइनली क्या हो गया, v1 आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 क्या निकला था, हमने इसको पहले लिया था, ये बाद में, जिससे कि याद रखने में आसानी होगी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ स्पेशल केसेस पड़े थे, जरा रिवाइज कर लेते हैं। केस फर्स्ट ये था हमारा कि अगर दो बॉडीज इक्वल मास की हो, सेम केस था ना, m1 m2 बराबर हो तो क्या आएगा बताओ, तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाती थी, एक्सचेंज हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, v1 u2 हो जाता था और v2 u1 हो जाता था, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। वो जो बॉडीज हैं आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को इंटरचेंज करती हैं। अब जब मैं बोलता हूं वेलोसिटी को इंटरचेंज करती हैं तो वो डायरेक्शन भी इंटरचेंज होती है, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो, उसके बाद जब वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो पहली वाली की जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन दूसरी वाली ले लेगी। कुछ इसके सब केस पड़े थे, इफ द सेकेंड बॉडी वॉज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन तो फिर u2 जीरो हो जाएगा और उस केस में v1 इक्वल टू जीरो, v2 इक्वल टू u1 आ जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या था, मैंने बताया था, फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड पुशेस द सेकेंड बॉडी विद इट्स इनिशियल स्पीड। दूसरी वाली बॉडी अगर रेस्ट में है और पहली बॉडी से हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो दूसरी है ना, यानी दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में है और पहली वाली से स्ट्राइक करते हैं तो पहली क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी को धक्का देगी तो वह आगे निकल जाएगी, वही बात यहाँ पर लिखी है। तो ये जैसा कि हम कैरम बोर्ड में करते हैं, कैरम में भी यही होता है, एक मान लीजिए कॉइन कैसा है, रेस्ट में है और दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, मास सेम है तो पहले जिससे स्ट्राइक कर रहे हैं वो रेस्ट में आ जाता है और जो रेस्ट में था वो उतनी वेलोसिटी से जितनी से हमने स्ट्राइक किया था वो आगे बढ़ देता है। फिर हम बात करते हैं केस सेकंड का, अगर m1 बहुत बहुत बड़ा है m2 से, टारगेट m2 है और ये m1 से स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब ये m2 छोटा है और m1 बड़ा है, तो वो जो ट्रक और साइकिल का केस लिया था, यानी साइकिल आगे है और ट्रक पीछे से आ रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो उस केस में क्या था, v1 इक्वल टू u1, यानी ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन
जो साइकिल की स्पीड है वो क्या हो जाती थी, 2u1 - u2। लेकिन अगर साइकिल भी रेस्ट में हो, सब केस में हो जाएगा, साइकिल रेस्ट में हो तो क्या होगा, ट्रक की स्पीड पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ ट्रक, यानी v2 = 2 times of u1। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद, चलो ये तो प्रैक्टिकली था, हमने पढ़ा था केस थर्ड, m2 > m1, मतलब अब आगे जो है ट्रक हैवी है और पीछे साइकिल आ रही है, तो m1 = -u1 + 2u2 एक फार्मूला ये बनाया था, और v2 = u2। इसका मतलब है कि ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो साइकिल की स्पीड है वो ये हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए ट्रक रेस्ट में हो, सब केस इसका ट्रक रेस्ट में है, u2 यहाँ पर रेस्ट में है, तो उस केस में v1 = -u1, मतलब साइकिल टकराएगी, टकराने के बाद वापस बाउंस बैक होगी उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से टकराई थी, ठीक है। और v2 = 0, मतलब ट्रक रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो हमने ये सारा